संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। इसके लिए कसूरवार कोई भी हो, किंतु संसदीय इतिहास के लिए ये घटना अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। और इसी दौरान माननीय राज्यसभा सभापति का संसद परिसर में निलंबित सांसदों द्वारा मजाक उड़ाने का वीडियो वायरल होना भी अनुचित व अशोभनीय है। इस प्रकार से सरकार और विपक्ष के बीच जबरदस्त मतभेद, तनाव व टकराव वाली घटनाओं से देश के लोकतंत्र एवं संसदीय परंपराओं को शर्मसार होने से बचाना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हिस्से जुड़े देश व आम जन हिस्से जुड़े अति महत्वपूर्ण विधेयकों का पारित होना भी ये अच्छी परंपरा नहीं है। और यहाँ विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तथा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा निर्मित यहाँ पवित्र संविधान, संसद व अच्छी संसदीय परंपराओं को बचाने की जिम्मेवारी किसी भी एक की नहीं है, बल्कि सभी की है और जिसे सभी को मिलकर निभाना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि अभी हाल ही में संसद की सुरक्षा में जो सेंध लगाई गई है, ये भी कोई ठीक नहीं है। ये अति गंभीर व चिंतनीय भी है और इस मामले में सभी को मिलकर संसद की सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस मामले को सभी को गंभीरता से लेना चाहिए तथा इसके जो भी दोषी व षड्यंत्रकारी हैं तो उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई भी होना अत्यंत जरूरी है तथा ऐसे में इसके खुफिया विभाग को भी अब काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है ताकि आगे कभी भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन में BSP सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, BSP सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी पूर्ण रूप से धर्म निरपेक्ष पार्टी है और यहाँ अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं तथा उनके अपने अलग अलग से आस्था के अनेकों स्थल बने हैं, जिन सभी का हमारी पार्टी हमेशा सम्मान करती रही है और आगे भी करती रहेगी। इसी क्रम में यूपी के अयोध्या में नव निर्मित राम मंदिर का जो अगले महीने उद्घाटन होने के लिए जा रहा है, तो उसका हमारी पार्टी को कोई भी ऐतराज नहीं है। और यहाँ अयोध्या में कोर्ट के आदेश पर सरकार द्वारा निर्धारित की गई जमीन पर जब भी मस्जिद का निर्माण होता है तो तब उसके उद्घाटन का भी हमारी पार्टी कोई ऐतराज नहीं करेगी। अर्थात हमारी पार्टी सभी धर्मों के स्थलों का पूरा सम्मान करती है,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से इसकी आड़ में जो राजनीति की जा रही है, जो घिनौनी राजनीति की जा रही है, ये अति दुखद व चिंतनीय भी है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अपना देश कमजोरी होगा, मजबूत नहीं, तथा इससे लोगों में आपस में नफरत पैदा होती है, जो ये कतई भी उचित नहीं है। इस बात का भी सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं कुछ खास बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।